हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। इस दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती है। हमने आपको अक्षय तृतीया के बारे में या इसके महत्व के बारे में तो बहुत बार बताया है, लेकिन आज हम आपको अक्षय तृतीया से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप नहीं जानते होंगे। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इस दिन माँ अन्नपूर्णा के जन्म की भी मान्यता है और माँ गंगा का अवतरण भी हुआ था। द्रौपदी को चीरहरण से कृष्ण ने आज के ही दिन बचाया था। अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर को खजाना मिला था। पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। मान्यता ये भी है कि इसी दिन द्वापर युग का अंत हुआ था। महाभारत का युद्ध भी अक्षय तृतीया के दिन समाप्त हुआ था। इसी दिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा साल भर चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ बद्री नारायण का कपाट आज के दिन खोला जाता है। श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा का मिलन भी अक्षय तृतीया पर हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। वही इस दिन भूलकर भी अल्मोनियम, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन और सामान नहीं खरीदना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आ सकती है।